गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोग का जो टॉपिक है प्राकृतिक और सामाजिक असमानता वो स्टार्ट कर दिया था मैंने आपको। इसके टू पॉइंट्स जो थे वो बाकी थे, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मैं आपको प्राकृतिक और सामाजिक असमानता के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम देख रहे थे। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि कई बार जो असमानताएं होती हैं वो इतने लंबे समय से चली आ रही होती हैं जिस कारण से वो हमको प्राकृतिक सी लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रकृति प्रदत्त असमानता ही है और अगर उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वो उसके अंदर आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर आप इसका एक एग्जाम्पल देखें तो महिलाएँ जो हैं उनको ऐसा माना जाता है प्रारंभ से ही कि वो पुरुषों की तुलना के अंदर बहुत अधिक कमज़ोर होती हैं, अतः हमेशा से ये माना गया है कि उनको क्या मिलना चाहिए, विशेष संरक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए, अतः उनको समान अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं हो पाए हैं। अगर आप पहले के टाइम पे देखेंगे तो महिलाएं जो उनको वोट देने तक का अधिकार नहीं था और उनको बहुत से ऐसे अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे जो कि पुरुष लोग जो हैं उनको प्रदान किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, चिकित्सा के कारण, विज्ञान के कारण और तकनीकी प्रगति के कारण अगर अपन देखें तो वर्तमान में कुछ प्राकृतिक विभिन्नताएं जो हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब प्रकृति ने कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट की है मनुष्य के अंदर, लेकिन हमने उसको विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट है उसके कारण से उसमें परिवर्तन किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ब्रेल लिपि जो है उसकी सहायता से अंधे व्यक्ति जो हैं उनको शिक्षा जो है वो ग्रहण हम करवा सकते हैं, या फिर अगर आप देखो पहियादार कुर्सी है, या फिर जो विकलांग जन होते हैं उनके लिए जो कृत्रिम पैर होते हैं या जो हाथ हैं उनसे जो शारीरिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको फ़ायदा हुआ है। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रयोग देखें तो जो कुरूप व्यक्ति है या शक्ल सूरत जो है उसके अंदर परिवर्तन जो है वो लाया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो असमानताएं थीं, इन असमानताओं को टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण से, तकनीकी विकास के कारण से, विज्ञान के विकास के कारण से इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक व सामाजिक असमानता जो होती है उन दोनों के अंदर अंतर होता है और जन्म पर आधारित प्राकृतिक असमानता को समाप्त किया जाना भी आवश्यक है और साथ ही साथ समाज को ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो किसी भी प्रकार की असमानता जो है वो नागरिकों के साथ में ना बढ़ते। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है समानता के आयाम। देखिए, समानता के जो आयाम है इनको तीन श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। सबसे फर्स्ट राजनीतिक समानता के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि राजनीतिक समानता का अभिप्राय ये होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके साथ उसके धर्म, लिंग, जाति, संपत्ति आदि के भेदभाव के बिना उसको अधिकार जो है वो प्रदान किए जाएं। ठीक है, दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए। ये मैं आपको मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर के अंदर भी समझा चुकी हूँ। थर्ड, प्रत्येक नागरिक जो है उनको कुछ मौलिक अधिकार जो है वो दिए जाने चाहिए, जैसे कि कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है, की स्वतंत्रता है, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, अपने विचार जो है उनको अभिव्यक्त करने की आज़ादी जो है, या कोई धार्मिक विश्वास या धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता जो है वो नागरिकों को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, समाज में समानता स्थापित करने के लिए केवल राजनीतिक समानता ही आवश्यक नहीं होती है बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता जो है वो भी अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे पेट भरना जो है वो वोट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए जिस दिन वोटिंग का दिन होता है उस दिन छुट्टी रखी जाती है कि भाई कोई जो है वो इस उसमें ना रहे कि मेरा वेतन कट जाएगा। प्राइवेट सेक्टर वाले तो यही सोचते हैं अगर मैं नहीं गया तो मेरा वेतन कट जाएगा, तो मैं वोट देने से अच्छा है कि अपने जॉब पर जाऊँ। इसीलिए जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन आप छुट्टी रखी जाती है जिससे कि
व्यक्ति जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो केवल राजनीतिक अधिकार देना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार जो है वो भी आवश्यक हैं। ठीक है, अब देखो सामाजिक समानता, ये चीज़ वही है, किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सभी नागरिक जो है उनको समान अधिकार मिलने चाहिए। दूसरा, छुआछूत को समाप्त करके सबको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। छुआछूत पहले आपको पता है बहुत अधिक नीची जाति के साथ में बहुत अधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, उनको छूना तक ये माना जाता था कि अगर हमने इनको छू लिया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो इस छुआछूत जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है सरकार के द्वारा, इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, संतुलित पोषाहार मिले, न्यूनतम वेतन, मतलब हर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं जो हैं उनको पूरी कर सके, इतनी सारी उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर राज्य की भूमिका जो होती है वो इस समानता को स्थापित करने में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे जो औरतें हैं उनको कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए, सार्वजनिक स्थान जो है उन पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो उसको रोकने के लिए सरकार कानून बनाए। ठीक है, और राज्य भी सामाजिक समानता को स्थापित करने में सकारात्मक भूमिका निभाए। इसीलिए आप देखोगे समानता के अधिकार के अंतर्गत कुएं, तालाब, सार्वजनिक स्थान, मनोरंजन के साधन या जो भी आपके टॉयलेट हैं सार्वजनिक, इनको यूज़ करने के लिए, इनका प्रयोग करने में किसी के साथ में भी कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड है आर्थिक समानता। देखो आर्थिक समानता का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि सबका वेतन जो है या सबकी आय जो है वो समान हो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की जो योग्यता है उसकी क्षमता जो है वो अलग अलग होती है और व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही वेतन मिलता है। ठीक है, बस ये है कि समाज के अंदर जो विषमता है वो कम से कम होनी चाहिए, लोगों का जो जीवन स्तर है वो बहुत अधिक अंतर उसके अंदर नहीं होना चाहिए, हर नागरिक को अपनी उन्नति करने का समान अवसर मिलना चाहिए, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ग विशेष अधिकार वाला है और किसी के पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ठीक है, सभी नागरिक जो हैं उनको आर्थिक सुरक्षा जो है वो प्राप्त होनी चाहिए, सभी के पास में आर्थिक समानता होनी चाहिए, कोई अगर समान कार्य कर रहा है तो उसके लिए जो वेतन उसको दिया जाए वो बिल्कुल समान होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप लिंग के आधार पर उसके साथ में भेदभाव करो, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रोविज़न होना चाहिए, हर व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, रोज़गार के उसके पास में अवसर होने चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोज़गार मिले, अगर कोई अपंग है, बेरोज़गार है, वृद्ध है तो उसके लिए सामाजिक सुरक्षा सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जैसा कि मिलता भी है वृद्धावस्था पेंशन या विकलांगजनों को अनेक सुविधाएँ, तो ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा की जानी चाहिए। और उत्पादन और वितरण के साधनों पर किन्हीं विशेष व्यक्तियों का ही अधिकार नहीं हो, बल्कि उत्पादन और वितरण के साधन हैं वो इस प्रकार से वितरित होने चाहिए कि अधिकतम लोगों का हित होता हो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका एंड होता है। थैंक यू।